हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। देखिए बेटा, अब जो पार्ट 7 के अंदर हम सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है। अब क्या हुआ कि हमारे को बस 90 माइनस 90 प्लस, लिमिट कैसे चेंज होनी है, थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट का किस तरीके से यूज़ होता है ट्रिगो में, वो सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन समझाते समय कि आपको समझ आ सके। चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लिमिट्स इस बार क्या हुआ कि पहले क्वेश्चनों में हमने देखा था कि यार x टेंड्स टू 0 था, पर अब क्या होगा, x टेंड्स टू a से मतलब क्या है कि पाई बाई टू पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ ना कुछ होंगे। मैं आपको पहले थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि हम कितने चीजें पढ़ चुके हैं। हम x की पावर n पे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला प्रूव करा था, ये कर चुके हैं और इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए सारे फॉर्मूले अब हम कर चुके हैं। बस थोड़ा सा इस वाले पार्ट के अंदर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ लिमिट के क्वेश्चंस में, जब ट्रिगो बेस्ड हो। जैसे कि आपके सामने बेटा 9 क्वेश्चंस हैं, अगर आपका मन कहता है कि खुद से ट्राई करना है तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, और नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूँ। करें स्टार्ट। 9 के 9 क्वेश्चंस देख लिए आपने, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आराम से समझते चलना। देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिखा, हम तो पाई रखेंगे, जरूरी नहीं है कि एकदम से पाई रखते ही 0 बने, पर आपको वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो बेटा, कॉस पाई की वैल्यू पता क्या होती है, -1, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो नोटिस करो, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 1 - sin π, हमारे को प्रॉपर्टीज या ये कहा जाए कि लिमिट के जो फॉर्मूले हैं वो तब यूज करेंगे जब हमारी 0 by 0 फॉर्म बने, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, ∞−∞, ये सारी फॉर्म्स अगर बनती हैं तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। उस लोचे को खत्म करने के लिए क्वेश्चन करेंगे। कॉस पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0, आंसर 1/1, आंसर आ गया 1। आया समझ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। देखो बेटा, sec पाई की वैल्यू -1 होती है और tan पाई की वैल्यू 0 होती है, मैं आपको बस थोड़ी थोड़ी करके याद करा रहा हूँ। तो जब मैंने sec पाई रखा, -tan पाई रखा, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, -1 - 0, और आंसर आ गया -1। वाओ, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, पर वे इन्हीं छोटे क्वेश्चनों पर नजर लग गई, क्या करा जाए, कुछ नया नहीं करना बेटा, नहीं समझ आएगा ना अगले क्वेश्चन से बहुत परफेक्टली समझ आ जाएगा। x टेंड्स टू पाई बाई टू है, पाई बाई टू रखा मैंने, जरा साइड में ले आके कॉपचे में ले गया, पाई बाई टू माइनस पाई कॉस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई और कॉस 90 वैल्यू 0, 0 by 0, ओ बेटे 0 by 0 फॉर्म बन गई। अगर किसी भी क्वेश्चन में 0 by 0 फॉर्म बन जाए तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। अब ऐसे में करा क्या जाए, लिमिट चेंज करेंगे हम, क्योंकि प्रॉपर्टीज जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी थी वो x टेंड्स टू 0 के साथ थी, यस और नो, यस। जिसकी वजह से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 2x माइनस पाई इज इक्वल टू y माना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि y माना तो क्या करता, x टेंड्स टू पाई बाई टू, जिसे लिखने का तरीका पता है कैसे होगा, y tends to 2x minus pi करके लिखेंगे, क्लियर। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, y tends to लिखोगे क्वेश्चन के टाइम पे, y tends to 2x minus pi। अगर x की वैल्यू pi by 2 होती है तो सोचो y tends to क्या आएगा, सोचो ना, अगर मैं x की वैल्यू pi by 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो एक तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट y tends to 0, और यहाँ पे y आ जाएगा क्योंकि इस पूरे को क्या माना मैंने, y और x। अब ये x कैसे लाऊंगा बेटा, सुनो, 2x माइनस पाई इक्वल टू वाई था, इसलिए इक्वल टू करके समझाना चाह रहा था पहले, 2x इक्वल टू पाई प्लस वाई हो गया, यस और नो, और x इक्वल टू क्या रहेगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। जहां से आप मानते हो वहीं से ही आपको रिटर्न करना होता है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपने कुछ माना तो ये समझ लेना कि जिस वेरिएबल में माना है सारा क्वेश्चन उसी वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, x कहीं दिखना नहीं चाहिए। तो cos x की जगह लिख दिया मैंने पाई बाई टू प्लस वाई बाई टू। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, आपको फिर फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, cos 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस, और सेकंड, अब वेट, अब बात आती है
cos 90 की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, साइन। तो y अपॉन माइनस के साइन y बाई टू, ये क्लियर है। फिर बात आती है लिमिट y टेंड्स टू जीरो y बाई टू, क्योंकि साइन y बाई टू पहले से था, क्लियर। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा इसके जैसा बनाने के लिए, और माइनस वन पहले से, तो आंसर क्या हो गया, माइनस टू। वेट, मुझे पता है थोड़ा बहुत दिक्कत आया है एक बार, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा तो देखा, सेम सेम सा क्वेश्चन है। पहले पाई बाई टू रखा, 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई टू, नीचे पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर रहेगा 2 से 2 कटने के बाद, कॉस पाई की वैल्यू मैंने बताया था माइनस वन होती है, 0 0 बाई 0, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। तो टेंशन कौन दे रहा है, पाई माइनस 2x, तो मैं साइड में मान लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू पाई माइनस 2x, पर टीचर को दिखाने के लिए कैसे करेंगे, लेट y टेंड्स टू पाई माइनस 2x। रीजन यार, क्योंकि टेंड्स टू का मतलब आसपास है, हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते ना फिर। अब वेट, अगर मैं ये कहूँ कि चलो x की वैल्यू पाई बाई 2 है सोचो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ना, तो वही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो y टेंड्स टू क्या आएगा बेटा जी, 0। तो लिमिट चेंज करी पहले, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस cos 2, मैं ना जान के सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से खाली कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 2x भी खाली कर सकता था, 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो पाई माइनस वाई हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 और यहाँ पे वाई स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या माना है, वाई, बोलो हाँ हाँ। पहले 2 की इंटू करूंगा, एक बार दोबारा समझाना है, चलो वेट दोबारा समझाते हैं। सबसे पहले पाई माइनस 2x को मैंने y माना, मैं रेड से मार्क करता चलता हूँ जिससे आपको समझ आता रहे मैं कौन से स्टेप पे बोला हूँ। y माइनस y टेंड्स टू, फिर x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई, वो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा लिमिट चेंज करके, जी वाले x की वैल्यू कहाँ से लाया हूँ, वो मैं यहाँ से लाया हूँ जिसकी आप देख पा रहे होंगे, और जो y माना ही था वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर ही दिया है, बोलो हाँ ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो 1 प्लस cos 2 से इंटू करने के बाद पाई माइनस वाई बचेगा, ये देखा मैंने क्या करा है, पाई माइनस वाई लिखा है बेटा, क्योंकि 2 से इंटू करके वो गायब हो गया। लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस cos, अब वेट पहले cos थीटा डायरेक्ट मत लगाना, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, cos चेंज होगा नहीं, इस बार नहीं होगा क्योंकि 180 की वजह से cos का cos रहेगा, ये क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ गया बाहर, और y टेंड्स टू 0 है। और इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था बेटा, हमने बहुत सारे करे हैं, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर y बाई 2, y स्क्वायर पहले से था, 4 से डिवाइड, 4 से इंटू करा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, 2 बाई 4, 1 बाई 2 आंसर आया, आया समझ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोबारा से देखते हैं, अगर बेटा जी मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखूंगा तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 नीचे 0 बाई 0 और साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कट गया 0 0, तो 0 बाई 0 बनती, क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। अब वेट, अब तीसरा क्वेश्चन है मानने वाला जिसे आप एक बार खुद ट्राई करो, नहीं तो मैं देखो, y टेंड्स टू थीटा माइनस पाई बाई 4, इफ थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 y टेंड्स टू 0, क्लियर, लिमिट y टेंड्स टू 0 नीचे y आ गया, अगर आप यहां से ध्यान दो तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस y आता है, यस और नो, जो कि आप रिप्लेस करोगे पाई बाई 4 प्लस y cos पाई बाई 4 प्लस y। अब साइन a माइनस cos b का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन a माइनस साइन b, साइन a प्लस साइन b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b का होता है, तो बेटा जी थोड़ा सा समय लगेगा पर इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a साइन b माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, पर बेटा जी बीच में ना क्या लगा हुआ था, माइनस, जो कि ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है, ये गलती मत करना बस ध्यान से। पहले सबकी जब मैंने वैल्यूज रखी तो मैंने ये पाया लिमिट y टेंड्स टू 0 1/√2 cos y 1/√2 sin y 1/√2 cos y 1/√2
साइन वाई अपॉन वाई, ये पूरा पूरा कट गया। लिमिट y टेंड्स टू जीरो, अगर आप नोटिस करो साइन y वाले जुड़ गए तो डबल हो गया साइन y अपॉन रूट टू पहले से था अपॉन y। समझाने के लिए अगले स्टेप को यहीं लिख रहा हूँ कि ये तो रहेगा रूट टू, देखो 2 अपॉन रूट टू को रूट टू लिख सकता हूँ, पता ही वाली बात, सोचो क्यों, x अपॉन रूट एक्स रूट एक्स और साइन y बचा और अपॉन में y बचा जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 और आंसर आ गया रूट टू। आया समझ? नेक्स्ट। ओ मेरी जान, अब तो समझ आ गए होंगे, जीरो आ रहा है तो क्या करूँगा, लेट y टेंड्स टू x माइनस पाई, इफ x टेंड्स टू पाई तो y टेंड्स टू जीरो, लिमिट y टेंड्स टू जीरो साइन ब्रैकेट में पाई प्लस y आएगा। बेटा ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब यहाँ से खाली करो तो पाई प्लस y आ रहा है, बहुत पेशेंस रखना है y, और पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और y, और साइन y की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आंसर हो गया माइनस 1। आया समझ? बोलो हाँ हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है, लिमिट लेट क्या y टेंड्स टू x माइनस पाई बाई 4 मानूंगा, पहले रख के देखा करो क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0, इसका क्वेश्चन कुछ तो लोचा है, उस लोचे को खत्म करने के लिए इफ x टेंड्स टू पाई बाई 4 देन y टेंड्स टू 0, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 आया 1 माइनस 10, बेटा जी इस बार ये पाई बाई 4 प्लस x जो बन रहा है ना ये गड़बड़ कर जाता, क्योंकि बंदे सोचते हैं पाई बाई 2 प्लस x, भैया पाई बाई 2 ना ही हर क्वेश्चन की तरह, इसलिए पूरा करना पड़ रहा है। लिमिट y टेंड्स टू 0, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन y, लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन y, कर दी गलती, x की जगह y आएगा हर जगह पे, ध्यान रखना बार बार गलती सही नहीं है ये, ठीक है बेटा, y, चलो कोई बात नहीं, तो चलता है। लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 माइनस टेन वाई माइनस 1 माइनस टेन वाई अपॉन y, 1 माइनस टेन वाई, ये क्लियर है, टेन वाई से टेन वाई नहीं कट रहा, गलती मत करा करो, 1 से 1 कट रहा है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस के 2 टेन वाई अपॉन वाई 1 माइनस टेन वाई, और बेटा जी अगर आप ध्यान दो टेन वाई अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई 1, लिमिट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0 जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस के 2। आया आया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट यहाँ पे रखता हूँ, तो 1 माइनस 1 टेन पाई बाई 2 0 इंटू इन्फिनिटी, भाई साहब बार बार बोलता रहो 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, अब क्या करा जाए भैया 1 माइनस एक्स को क्या माना, लेट y टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, इफ x टेंड्स टू 1 तो y टेंड्स टू 0, क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे y आ गया 10 आ गया, पाई बाई 2 पहले से था, x की वैल्यू क्या आएगी ध्यान से देखो, x की वैल्यू आएगी 1 माइनस वाई, क्लियर है 1 माइनस वाई, तो मैं इसको सही से सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 0 y 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 y के साथ, जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 y एज इट इज है 10 का कोट हो जाएगा पाई बाई 2 y हो जाएगा, क्लियर, और कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो नीचे जाके 10 हो जाएगा पाई बाई 2 y के साथ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सीखा था x अपॉन टेन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 y के साथ पाई बाई 2 से इंटू 10 पाई y बाई 2 के साथ, तो पाई बाई 2 से यहाँ पे इंटू, और इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो 1 अपॉन पाई बाई 2, तो आंसर क्या 2 पाई पाई। आया समझ? बोलो हाँ हाँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप करके देखना चाहो तो आप कर लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है तो लास्ट करके मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मैंने पता पूरे पूरे इसलिए करे जिससे आप आंसर मैच कर सकें। लेट y टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, इफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 तो y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 y आया कोट आया x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस y, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन निकला, कोट 90 माइनस थीटा
टेन थीटा, टेन वाई वाई की वैल्यू 1, आंसर क्या आया दिस, आया समझ। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अब आप इस तरीके से लिमिट चेंज करना इजीली सीख गए हैं, राइट। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी, इसीलिए आप अपने सारे दोस्तों में वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कर दें, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाने से जैसे जैसे रोज़ पार्ट आते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, आपको पता रहेगा कि कब कब क्या क्या मैं कराने जा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।